Hello everyone, I welcome you all in Simply for Civils. We are back with our new video, Indian Economy. This is fifth video and the topic of our discussion is money and banking. It started from lecture 4, which was previous, and we are continuing with the money. We talked about money in the previous video. So today the topic of discussion is basically money flow, the credit flow in the economy. As I've told you that this is a very important topic for the exam. So I want that you need to grasp this topic in a very conceptual manner. बहुत honestly इसको approach करो. अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप simply message करो, email करो और पूछो. मेरा ये मानना है कि अगर बिना समझे अगर आपने ये video के जो भी 10-15, 20 मिनट आपने लगाए हैं अगर वो worth हैं तभी इसको कंटिन्यू करो. और देखो मेरा भी पर्पस यही है कि एक मीनिंगफुल चीज, एक क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करें फ्री ऑफ कॉस्ट, सो दैट कि एक वर्थफुल एक्सरसाइज हो. ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस टॉपिक. आज का जो हमारा टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी. देखो कल हमने पढ़ा था मनी के बारे में. ठीक है, मनी कितना इंपॉर्टेंट है, मनी की क्या वैल्यू है और मनी कैसे बिजनेस साइकिल में काम करता है. मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है बेसिकली वो सरकार की वो पॉलिसी जिससे वो मनी के फ्लो को कंट्रोल करता है. इकोनॉमी में जो मनी का फ्लो है ये जिसको हम क्रेडिट फ्लो भी कह देते हैं, ये बेसिकली आपकी इकोनॉमी की ट्रेजेक्ट्री डिसाइड करता है कि वो ग्रो करेगी या वो फॉल करेगी. कैसे, हम एक छोटी सी एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था, एक तरफ फर्म है, बिजनेस साइकिल समझाया था, एक तरफ हाउस होल्ड है. फर्म हाउस होल्ड को क्या देती है, वेजेस. किसके रिटर्न में, लेबर. ठीक है, और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है और उसके बदले में हाउस होल्ड इनको क्या देते हैं, स्पेंडिंग करते हैं, इनको इनका प्रॉफिट देते हैं. प्रॉफिट जो भी इनका इनपुट कॉस्ट हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज बनाने में उसको जोड़ के. ठीक है, बेसिकली ये साइकिल हमने पढ़ा था और ये मैंने बताया था कि ये पूरा जो प्रोसेस है ये मनी से चलता है. ठीक है, मनी के फ्लो को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है. अगर इसके फ्लो को रेगुलेट ना किया जाए तो इकोनॉमी पे उसका किस तरह से प्रभाव होता है हम इसको भी अंडरस्टैंड करेंगे. इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी सरकार के बिहाफ पे जो बॉडी करती है उसको हम बोलते हैं RBI. ये सेंट्रल बैंक होता है. ठीक है, ये मनी के फ्लो को रेगुलेट करती है, मनी के फ्लो को रेगुलेट करती है सो दैट कि इकोनॉमी के अंदर जो हमारे प्रोडक्टिव एसेट्स हैं वो सही ढंग से काम करते रहें. मॉनेटरी पॉलिसी, देखो बेसिकली इसके हम ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेते हैं. मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, अगर आप ऑब्जेक्टिव समझ जाओ तो आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली ये टॉपिक किस इशू के अराउंड सेंटर्ड है. ठीक है, देखो सबसे पहले यहां पे मॉनेटरी पॉलिसी का काम होता है फ्लो ऑफ क्रेडिट को रेगुलेट करना. जैसे मैंने अभी आपको बताया फ्लो ऑफ इसको क्रेडिट को अगर आप मेंटेन करोगे, रेगुलेट करोगे तो उससे क्या होगा, आपके जो प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं जहां गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं, ये वेल्थ जनरेशन होती है, ठीक है, वो स्टेबल हो जाते हैं. कैसे, लेट सपोज जैसे फर्म है और एक हाउस होल्ड है. अगर हाउस होल्ड के पास लेट सपोज बहुत सारी मनी आ जाती है इनके हाथों में, ठीक है, मैं मनी फ्लो की बात कर रहा हूँ, अगर इन यहाँ मनी फ्लो ज़्यादा हो गया तो ये लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंडिंग करेंगे. ठीक है, स्पेंडिंग करने से क्या होगा, इन्फ्लेशन. स्पेंडिंग करने से इन्फ्लेशन कैसे होता है, लेट्स सी, पहले मैं आपको समझा देता हूं. देखो हम दो केस ले लेते हैं, अगर मनी सप्लाई बढ़ जाती है तो क्या होता है और अगर मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो क्या होगा. ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट. मनी के सप्लाई बढ़ जाने से सबसे पहला जो नुकसान होगा वो ये कि सभी के हाथों में मनी आ जाएगी. Money will be there in every hand.
ठीक है, सबके पास पैसा आ जाएगा तो उससे क्या होगा, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। ठीक है, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो क्या होगा, परचेजिंग पावर से उनकी डिमांड्स और ज्यादा बढ़ जाएंगी। सिंस इकोनॉमी के अंदर मैंने अभी आपको बताया है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनकी सप्लाई लिमिटेड है, सभी को वो सामान नहीं दे सकते। तो अगर सप्लाई लिमिटेड हो गई, डिमांड बढ़ती जा रही है, तो उससे क्या होगा, प्राइस राइज। अब समझ में आया, उसको हम इन्फ्लेशन भी कह देते हैं। ठीक है, और इन्फ्लेशन एक ऐसा चीज है जो किसी हद तक ही अच्छा है। ठीक है, अब इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन कैसे इकोनॉमी के लिए ठीक है, मतलब कुछ हद तक ठीक है। देखो, जब मनी सप्लाई बढ़ा, ठीक है, परचेजिंग पावर बढ़ी, लोगों की डिमांड बढ़ी। अब जब लोगों की डिमांड बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट शुरू कर देंगे। इन्वेस्टमेंट क्यों शुरू करेंगे, ताकि इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए वो गुड्स एंड सर्विसेज बनाएं, ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनाएं और प्रॉफिट गेन करें। यही मोटिव होता है ना फर्म्स का, प्रॉफिट गेन करना, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन करें, जो भी डिमांड्स बढ़ रही हैं। ठीक है, वो गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे। गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा बनने का क्या मतलब है, कि वहां पे ग्रोथ और ज्यादा होगी। ये देखो, यहाँ एग्जाम्पल में, यहाँ डायग्राम में समझो, एक तरफ आपका फर्म था, एक तरफ आपके हाउस होल्ड थे। ठीक है, ये इनसे ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, मतलब ये स्पेंडिंग ज्यादा कर रहे हैं, डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, मतलब ये ज्यादा प्रॉफिट देने को तैयार है। ठीक है, फर्म क्या करेगी, ये और ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे। तो गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा बनने का मतलब क्या है, ज्यादा वैल्यू एडिशन हो रहा है, ज्यादा वैल्यू एडिशन हो रहा है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि वेल्थ जनरेशन ज्यादा हो रही है, मतलब हमारी इकोनॉमी और ज्यादा ग्रो कर रही है। और जितना वेल्थ जनरेशन होगा, इनको और ज्यादा प्रॉफिट होगा, ये वेजेस को बढ़ाते जाएंगे, ये वेजेस को और बढ़ा देंगे। जब वेजेस बढ़ेंगी तो लोगों के हाथ में और ज्यादा पैसा आ जाएगा, और ज्यादा डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी, ये और ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे, और ज्यादा चीजें बनाएंगे, वेल्थ बनती जाएगी। पर ये कब तक चलेगा सर, एक टाइम आता है इकोनॉमी में बूम का। ठीक है, वेजेस बढ़ती जा रही हैं, नहीं, पहले आपका प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट बढ़ता ही जा रहा है, प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ेंगे तो वो लोगों को वेजेस भी ज्यादा देंगे। ठीक है, वेजेस बढ़ जाएगा तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई, अगर देखो इकोनॉमी ऑफ स्केल की एक लिमिटेशन होती है, वो सबको सप्लाई नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि कल किसी आइटम की 10,000 यूनिट्स की डिमांड थी और अगले ही क्षण, अगले ही वीक तक अगर मान लो 10 लाख आइटम्स की डिमांड हो जाएगी, तो एकदम से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है इतना सप्लाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, और सप्लाई कांस्टेंट हो जाएगी, या सप्लाई जो है उस हिसाब से इंक्रीज नहीं करेगी जिस हिसाब से डिमांड बढ़ रही है, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन प्रेशर, इन्फ्लेशन। ठीक है, एक आदमी वो बोलेगा मैं 100 रुपीज पर केजी के हिसाब से अनियंस खरीद लूंगा, अगला 200 बोलेगा, थर्ड आएगा वो बोलेगा 300, उससे अगला आएगा वो 500 में, एक तो और आ जाएगा वो बोरी भर के लेके आएगा पैसे, बोलेगा लाओ ये सारे जो हैं 1 केजी जो आपका अनियंस है वो मुझे दे दो। तो ये क्या हो गया, ये मार्केटिंग थोड़ी है, ये तो बिडिंग शुरू हो गई, बोली लगा रहे हैं, ये तो बिडिंग शुरू हो गई आइटम्स की। और अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, सप्लाई मेंटेन उस लेवल पे नहीं रहेगी, तो एक टाइम आएगा कि बहुत सारे लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे चीजों को, और डिमांड एकदम से फॉल करेगी। जैसे ही डिमांड फॉल कर जाएगी, आप चले जाओगे रिसेशन में, इकोनॉमी गई खड्डे में। और अगर ये रिसेशन 2, 3, 4 साल रह गया, तब तो आप बिल्कुल अंदर ही चले जाओगे, उसको हम बोलते हैं डिप्रेशन। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है, जिसमें सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है ड्विंडल कर जाते हैं, ना कोई डिमांड होती है, ना कोई सप्लाई होती है, लोग बस हाथ में हाथ धरे बैठ जाते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज कर रहे होते लोग। ठीक है, अभी कुछ एक्सपर्ट जो हैं बोल रहे हैं कि 2020 में डिप्रेशन जैसे हालात देखने को मिल सकते हैं, ऑन द बैकड्रॉप ऑफ कोरोना वायरस आउटब्रेक। कोरोना की वजह से क्या हुआ है, डिमांड कम हो गई है ना, डिमांड कम हो जाएगी तो रिसेशन आ जाएगा,
और अगर यही स्थिति बनी रही लंबे समय तक तो डिप्रेशन में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। 1929 में लास्ट टाइम गए थे, बट इतना इजी नहीं है डिप्रेशन में, मतलब हाँ रिसेशन सस्टेन करेगा काफी लॉन्ग टाइम के लिए। ये था कि जब आपकी मनी सप्लाई बढ़ जाए। अब देखो एक चीज और समझ लो, मनी सप्लाई से ना इंटरेस्ट रेट्स का भी हिसाब समझ लो। मनी सप्लाई बढ़ने से क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट सस्ते हो जाएंगे, इंटरेस्ट रेट्स सस्ते हो जाएंगे। मतलब देखो मनी सप्लाई बढ़ने का मतलब है मनी की वैल्यू कम हो गई, सभी के पास पैसा है, ठीक है, तो रेट ऑफ रिटर्न जो होगा ना इंटरेस्ट जो मनी के ऊपर वो कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। डिमांड ज्यादा है तो लोग बोलेंगे कि देखो एक तो पैसा भी बहुत है, चलो हम क्या करते हैं इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लगा के प्रॉफिट्स कमाते हैं, ठीक है। बट वही मैंने आपको बोला है कि एक सस्टेनेबल लेवल पे ही ये चीजें पॉसिबल है। वैसे देखा जाए तो ये आपको ग्रोथ देता है बट वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलता, ठीक है। इकोनॉमी का वो कहाँ पहुंच जाएगा, वो बूम में पहुंच जाएगा, फाइनली रिसेशन आ जाएगा जब डिमांड्स फॉल करेंगी, इतना ज्यादा प्राइस लेवल बढ़ जाएगा कोई खरीद ही नहीं पाएगा माल आपका, वो पड़ा पड़ा ही सड़ जाएगा। अब देखो मनी सप्लाई अगर कम हो जाए तो क्या होगा, इकोनॉमी में बहुत ज्यादा मनी मनी सप्लाई कम हो जाए। देखो जैसे ही मनी सप्लाई कम हुई मतलब लोगों के हाथ में पैसा बहुत कम है, तो मतलब मनी की वैल्यू वैल्यू बढ़ गई। अगर वैल्यू बढ़ी है मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो गया, ठीक है। अब मनी सप्लाई ही कम है, लोगों के हाथ में पैसा ही कम है, तो उसका एक मतलब और भी है कि परचेजिंग पावर लोगों की बिल्कुल गिर जाएगी। परचेजिंग पावर गिरेगी तो क्या हो जाएगा, डिमांड गिर जाएगी, वो खरीद कहाँ से पाएंगे चीजें जब उनके पास पैसे ही नहीं होंगे, जब उनके पास परचेजिंग पावर ही नहीं होगी, ठीक है। और डिमांड कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली उनको अपनी सप्लाई कम करनी पड़ेगी। सप्लाई कम करने का मतलब क्या हुआ कि वो अपने जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है उसको कम करेंगे। तो अगर उसको कम करेंगे तो इसका मतलब है कि अब वैल्यू जनरेशन कम हो गया, जो वैल्यू एडिशन हो रहा था वो कट ऑफ हो जाएगा, वो या कम हो जाएगा, डीएस्केलेट हो जाएगा, ठीक है। तो जब वैल्यू नहीं बनेगी, वेल्थ नहीं बनेगी, तो उसका मतलब वही है कि अगेन आप रिसेशन में पहुंच जाओगे, ठीक है। यहां भी देख लो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, ये तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वैसे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा, और देखो इंडस्ट्रीज को रिटर्न भी नहीं आ रहा है तो कौन इतना महंगा लोन खरीदेगा, कोई भी नहीं। इन्वेस्टमेंट भी डिस्करेज हो जाएगी, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तब, ठीक है ना। तो डिमांड आ रही है, कोई डिमांड तो कर भी नहीं रहा है, मतलब प्रॉफिट भी नहीं होगा यहाँ से, और इतने महंगे लोन कोई खरीदेगा भी नहीं, तो वैसे ही हम रिसेशन में चले जाएंगे। इसीलिए मनी जो मनी का फ्लो है ये इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिवली नेगेटिवली ये हैम्पर करता है। और आरबीआई क्या करता है, सेंट्रल बैंक क्या करता है, सरकार क्या करती है, इस मनी सप्लाई को मेंटेन रखती है, मनी सप्लाई को मेंटेन रखती है सो दैट एक हेल्दी डिमांड और सप्लाई रिलेशनशिप बना रहे, इस तरह से बना रहे कि नेट जो है वेल्थ जनरेशन होता रहे देश में, ठीक है। इकोनॉमिक एक्सचेंज आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाए और एक सस्टेन्ड लेवल पे, ये ना कि बहुत ज्यादा डिमांड हो जाए या बहुत कम सप्लाई हो जाए, या बहुत कम सप्लाई हो जाए बहुत ज्यादा डिमांड हो जाए, वो कहाँ से डिराइव होता है, वो सारा मनी सप्लाई से डिराइव होता है, ठीक है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्या काम होता है सेंट्रल बैंक का, ठीक है। देखो इन्फ्लेशन का इनडायरेक्ट मतलब ये भी है ना, प्राइस स्टेबिलिटी, तो मनी सप्लाई से प्राइस स्टेबिलिटी होती है। अभी मैंने आपको समझाया प्राइस स्टेबिलिटी कैसे होती है इन्फ्लेशन के थ्रू, ठीक है। वैसे हम इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में और अच्छे से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। और एक काम है कि आपका बिजनेस साइकिल जो है, ठीक है, बिजनेस साइकिल को जो उसमें स्लंप आ जाता है या मान लो उसमें बूम आ जाता है, उसको कंट्रोल करता है गवर्नमेंट, रेगुलेट करती है थ्रू फ्लो ऑफ क्रेडिट। फ्लो ऑफ क्रेडिट को मैनिपुलेट कर लेता है गवर्नमेंट, अभी मैंने बताया आपको कैसे मैनिपुलेट करती है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कैसे कौन कौन से मेजर्स हैं जिससे वो मनी सप्लाई को या फ्लो ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करती है, ठीक
ठीक है, इसे आपके बिजनेस साइकिल को बना के रखते हैं ताकि एक हेल्दी इकोसिस्टम बना रहे इकोनॉमी के अंदर, राइट। और क्या काम है, एक आपका एक्सचेंज रेट जो है ना, एक्सचेंज रेट वो हेल्दी बना रहे। देखो अब इसका क्या मतलब है, वैसे ना ये हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल सेक्टर वाला जो चैप्टर है, बट यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखो अगर मनी की सप्लाई बढ़ गई, लेट सपोज अगर मनी की सप्लाई बढ़ गई तो मनी की वैल्यू कम हो जानी है ऑब्वियसली, ठीक है। अगर मनी की वैल्यू कम हो गई उसका मतलब है डेप्रिसिएशन हो गया मनी का, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। और अगर मनी डेप्रिसिएशन होगा तो एक्सपोर्ट्स वालों को फायदा हो जाएगा और इंपोर्ट्स वालों का तो नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा। कैसे, ये देखो एक आइटम है जो पहले 100 रुपए में बिकता था इंडिया का कोई आइटम फॉरेन में, अब मनी की वैल्यू कम हो जाएगी तो वो सस्ते में बिकेगा, वो 50 रुपीज में बिकना शुरू हो जाएगा। जब वो 100 की चीज 50 में बिकेगी इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है, तो वो कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे बिक रहा है, ठीक है, और उसकी सेल ज्यादा होगी, ठीक है। बट इंपोर्ट में क्या होगा, जैसे मान लो आज मैं 100 रुपए की चीज अमेरिका से इंपोर्ट कर रहा हूँ कोई, ठीक है, मनी की वैल्यू कम हो जाएगी, मुझे वही उसी सेम आइटम को परचेज करने के लिए मुझे 200 रुपीज स्पेंड करने पड़ेंगे, तो ये मेरा नुकसान है ना। देखो ये जो आपका एक्सचेंज रेट है ना, एक्सचेंज रेट और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये बेसिकली हम एक्सटर्नल सेक्टर में पढ़ेंगे, यहाँ मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ मनी से लिंक करके हल्का सा बताया आपको, ठीक है। नेक्स्ट काम यही है कि एक स्मूथ फ्लो ऑफ मनी बना रहे इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। अब ये इतना आसान नहीं है गवर्नमेंट के लिए, वो गवर्नमेंट करती कैसे है, आरबीआई इसको कंट्रोल करता है कैसे है? देखो मैंने कल भी आपको बताया था, मनी मनी को कंट्रोल करने के लिए सरकार के पास क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टूल होते हैं। इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वालिटेटिव है, ठीक है। क्वालिटेटिव टूल में क्या है आपका, कल मैंने जैसे बताया एक था सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, एक है एसएलआर स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। एनटीडीएल का 4% है, ये नेट टाइम डिमांड लायबिलिटी कल निकाल के मैंने आपको बताया था, ठीक है। 21% आपका एसएलआर है, और इसके अलावा अगर हम देखें तो सरकार कैसे कंट्रोल करती है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस करके, ठीक है, इसको स्टरलाइजेशन भी कह देते हैं। और एक तरीका है आपके पास बैंक रेट को कंट्रोल करके, बैंक रेट कैसे करता है अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर आपके पास आता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंदर जो डिवाइसेस हैं उनका नाम है रेपो रेट, ठीक है, एक आपका रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट को वैसे बेसिकली रीपरचेस अग्रीमेंट भी कहते हैं, क्यों कहते हैं अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखो सीआरआर और एसएलआर से, इतना समझ लो। देखो अगर गवर्नमेंट इस ये जो आपके 4% यहाँ पे हैं, 21% यहाँ पे हैं, अगर इस रिक्वायरमेंट को बढ़ा दे, लेट सपोज वो बोले 5% सीआरआर रखना है और 25% एसएलआर रखना है, तो मतलब 29% पैसा तो बैंकों ने अपना रिजर्व रख दिया, और ये वो पैसा है जहां से जिसको वो लेंड नहीं कर सकते, है ना, जिससे वो पैसा नहीं कमा सकते, उनके पास नेट कितना पैसा बचेगा, 71%, 71% लेंडिंग के लिए। अभी क्या, जब 4% और इसको जोड़ दें 25%, मतलब पहले उनके पास 75% पैसा था, ठीक है, जिसको लेंड करके वो पैसा कमा सकते, अब उनके पास सिर्फ 71% बचा है। तो इससे होगा क्या कि अगर वो बैंक का पैसा रिजर्व में रखवा लेंगे तो मनी की सप्लाई कम हो जाएगी, है ना, मनी महंगा हो जाएगा। पहले पहले बैंक के पास 75 रुपये थे, अब उनके पास 71 रुपीज है, तो 75, पहले वो क्या कहते हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम थे, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएंगे क्योंकि कम पैसे से उनको ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। तो रिजर्व रिक्वायरमेंट बढ़ा करके सरकार मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है सीआरआर और एसएलआर लिमिट्स को लेकर के, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है जी बैंक रेट, बैंक रेट देखो, बैंक रेट क्या होता है बेसिकली, एक तरफ है आपका आरबीआई और एक तरफ है आपके कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। आरबीआई के बारे में थोड़ा बता दूं, देखो आरबीआई आपका बना था 1 अप्रैल 1935 में, ठीक है, अंडर आरबीआई एक्ट 1934,
ओके और इस ये कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे बना था? ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी, हिल्टन यंग कमेटी, इसको लिख लेना। वैसे सारा कुछ आपको लिखना है बट इसको भी फॉलो कर लेना, ठीक है। देखो रिलेशन हमने देखना है आरबीआई और बैंक्स के बीच में। बैंक रेट क्या मतलब होता है? बैंक रेट का मतलब है वो पैसा जो आरबीआई लोन देता है बैंक को, कोई भी लॉन्ग टर्म लोन देता है, और बदले में जो इंटरेस्ट आता है आरबीआई को, उसको बोलते हैं बैंक रेट, ठीक है। बैंक रेट, लेट सपोज अगर आरबीआई इंटरेस्ट, अगर अपना आरबीआई अपना इंटरेस्ट बढ़ा दे, बैंक रेट बढ़ा दे, मतलब लोन महंगा कर देगा। अगर आरबीआई लोन महंगा करेगा तो बैंक्स को महंगा लोन पड़ेगा, और अगर बैंक को लोन महंगा मिलेगा तो बैंक आगे बॉरोवर्स को लोन और महंगा कर देगी। लेट सपोज पहले 5% के हिसाब से, 5% इंटरेस्ट के हिसाब से आरबीआई देता था, बैंक रेट के हिसाब से लोन देता था बैंक को, और अब वो देने लग पड़ा है जी लेट सपोज 6% के हिसाब से। तो बैंक पहले अगर लोगों को देता था लेट सपोज 12% पे लोन दे रहा था, अब उनके लिए भी लोन महंगा हो गया, तो अब वो 14.5% पे देंगे, ठीक है, क्योंकि उनको भी तो अपना जो है स्प्रेड निकालना है ना, ठीक है। अब देखो अगर लोन महंगा कर देंगे, लोगों को लोन महंगा हो जाएगा, मतलब मनी के लिए डिमांड कम हो जाएगी। जैसे मनी के लिए डिमांड कम हो जाएगी, मनी का सप्लाई रिस्ट्रिक्ट कर जाएगा, मनी की सप्लाई रुक जाएगी, ठीक है। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर सरकार दो तरह से पॉलिसी बनाती है। एक होता है डियर मनी पॉलिसी। डियर मनी पॉलिसी, डियर का मतलब है जो प्यारा है, पैसा प्यारा है, तो सरकार चाहेगी कि वो पैसा सभी को मिल जाए, ठीक है, मतलब मनी को रिलैक्स कर देंगे, सप्लाई बढ़ा देंगे, ठीक है। और टाइट टाइट मनी पॉलिसी क्या है? कि मनी की सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट करना है, मनी की सप्लाई को कम करना है, ठीक है। ये दोनों मतलब होते हैं इसके। बैंक रेट आपने देख लिया है, उसके बाद में आपके पास आता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है बेसिकली? देखो स्टरलाइजेशन एक प्रोसेस है। लेट सपोज किसी टाइम में जाकर के पता लगता है कि आपके देश के अंदर, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न बड़े अच्छे हैं जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, या मान लो आपकी इकोनॉमी बहुत अच्छे 7% 8% के हिसाब से चल रही है ना, तो जब रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होगा, आपकी इकोनॉमी बहुत अच्छी ग्रो कर रही है, तो जो आपके जो फॉरनर्स होंगे वो इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, वो बोलेंगे सर हमें भी यहाँ इन्वेस्ट करने दो, हमें भी 4 पैसे कमाने दो यहाँ पे, ठीक है। बट देखो जब वो बाहर से आएंगे तो वो रुपी तो लेके नहीं आएंगे यहाँ पे, उनको चीजें खरीदने के लिए दे नीड रुपी, सो दे विल एक्सचेंज डॉलर विद रुपी, ठीक है। अब वो मान लो एक बंदे के पास गए, उनको बोला कि देखो हमें ये जो है कोई बॉन्ड है, कोई स्टॉक है, मान लो कोई प्रॉपर्टी है, या कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में ये चीज हमें खरीदनी है, तो वो उस बंदे को क्या देंगे? डॉलर, ठीक है। ये बंदा इस डॉलर को ले जाके कहाँ लेके जाएगा? बैंक के पास। बैंक इनको इसको क्या देगा? पैसे। भाई बैंक बैंक क्या है? बैंक कोई मिंटिंग मशीन थोड़ी है। बैंक भी तो अब आरबीआई के पास जाएगा, बैंक वही जो डॉलर है उठा के आरबीआई को दे देगा, ठीक है। और आरबीआई के स्टॉक में डॉलर बढ़ता जाएगा, जिसको हम बोलते हैं फॉरेक्स रिजर्व, ठीक है। जितनी इन्वेस्टमेंट होगी उतना फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा, और बदले में आरबीआई इनको क्या दे देगा? उसके हिसाब से पैसे दे देगा बैंक को। तो जी वही पैसा बैंक ने आगे इनको इस बंदे को दिया, और इसी बंदे ने आगे इन्वेस्टर्स को पैसा दे दिया, रुपया दे दिया। जब ये इसको पैसा देंगे तो ये इसी मनी को, इसी रुपी को मार्केट में लेके जाएंगे, तो हमारी मार्केट में क्या हो जाएगा? हाँ, मनी बढ़ जाएगा ना, मनी का फ्लो बढ़ जाएगा, मनी का फ्लो बढ़ जाएगा। वेट 1 मिनट, सॉरी, मनी का फ्लो बढ़ गया। तो अगर मनी का फ्लो बढ़ जाएगा तो ये तो कभी भी नहीं चाहेगी सरकार की मनी का फ्लो बढ़े, इसलिए इसको रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? अब गवर्नमेंट क्या करेगी, या आरबीआई क्या करेगा? सिक्योरिटीज निकालेगा। सिक्योरिटीज क्या होते हैं बेसिकली?
ये मैं आपको ना फाइनेंशियल वाले टॉपिक में, जो हमारा है ना फाइनेंशियल मार्केट वाला टॉपिक, उसमें पढ़ाऊंगा। सरकार अपने सिक्योरिटीज निकालेगी जिसपे कुछ फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न होते हैं, अच्छे रेट ऑफ रिटर्न होते हैं, ठीक है। ये अपने सिक्योरिटीज को सेल कर देगा आरबीआई। तो जो भी बंदा इसको सिक्योरिटी को खरीदेगा, या कोई बैंक खरीदेगा, या कोई प्राइवेट कंपनी खरीदेगी, ठीक है, तो वो सरकार को क्या देंगे, पैसे। जब वो सरकार को या आरबीआई को पैसे देगी, तो मार्केट में पैसा क्या हो जाएगा, मार्केट में मनी 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 की सप्लाई कम हो जाएगी। सो दिस इज हाउ आरबीआई स्टरलाइज स्टरलाइज योर इकोनॉमी फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक्स। ठीक है, इसका उल्टा देख लो। जैसे मान लो आपकी इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लाइट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लाइट हो जाएगा मतलब इन्वेस्टमेंट वापस जानी शुरू हो जाएगी अपने देश को। सभी लोग बोलेंगे कि जी हमें नहीं करना यहाँ पे बिजनेस, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न नहीं है फैक्टर्स ऑफ इनकम के थ्रू, मतलब हम गुड्स एंड सर्विसेज बेसिकली हमें यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, और अब हमें अपने पैसे वापस चाहिए। सो वट दे विल डू, दे विल कैरी देयर मनी बैक। तो मार्केट में मनी की सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड तो वैसे ही कम हो रही है, ठीक है। इन दैट केस आरबीआई क्या करेगा, जो सिक्योरिटीज इसने सेल करी थी, उसी सिक्योरिटी को ये खुद बाय करेगा। बोलेगा लाओ जी, हम तैयार हैं अपनी सिक्योरिटी बाय बैक करने के लिए। तो ये सिक्योरिटी बाय करेगा, और बदले में क्या देगा लोगों को, पैसे। इससे क्या होगा, मनी की सप्लाई थोड़ी सी बढ़ेगी, या इस हिसाब से बढ़ेगी जितना रिसेशन आ रहा है, उस हिसाब से मनी मनी की सप्लाई बढ़ेगी, और जो आपकी इकोनॉमी है वो एक इकोनॉमिक शॉक से बच जाएगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ ओपन मार्केट ऑपरेशंस वर्क। अब देखो होता क्या है कि जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ लोगों को ही बेची जाती है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कई बार, जैसे मान लो किसी बैंक को सिक्योरिटी रख के लोन लेना आरबीआई से, आरबीआई है एक तरफ बैंक है, तो बैंक क्या करती है, पहले आरबीआई को सिक्योरिटी देगी ना, कोई कोलेटरल देगी, तभी ना आरबीआई इसको इनको लोन देंगे। अब जैसे मान लो बैंक की हालत ही बहुत खराब है, सीआरआर और एसएलआर निकालने के बाद इनके पास बचता ही कुछ नहीं है, ठीक है, और गवर्नमेंट ने बोला है कि एसएलआर में से कोई एसएलआर की जो सिक्योरिटी है ये आप यूज नहीं कर सकते लेंडिंग के लिए। बट आरबीआई क्या करता है, कुछ बैंक्स को अलाउ कर देता है कि ठीक है आप अपने एसएलआर कोटा से जो भी सिक्योरिटी है आपके पास वो हमें दे दो, और हम आपकी सिक्योरिटी खरीदने के लिए तैयार हैं, हम आपको लोन दे सकते हैं, कोई बात नहीं। तो वो जो रिलैक्सेशन दिया जाता है ना कुछ बैंक्स को, उसको बोलते हैं आपकी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम होती है समझने में। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का यही मतलब है कि रिलैक्सेशन करना बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को, कि वो अपने एसएलआर कोटा से सिक्योरिटी लगा के अब गवर्नमेंट से लोन खरीद सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी समझाने के लिए बताया था, स्टरलाइजेशन के अंदर ही था ये वाला पार्ट, ठीक है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास लिक्विडिटी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट करने का एक तरीका था, मैंने आपको बताया रेपो रेट, इसको बोलते हैं, इसका एक और नाम है रीपरचेस अग्रीमेंट, रीपरचेस एग्रीमेंट। सॉरी ये ना हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं आ रही है, क्योंकि मेरा सारा फोकस जो है चीज़ों को समझाने में ज़्यादा बेटर है। आई होप यू विल कोऑर्डिनेट। और अभी रिकॉर्डिंग को लेकर के थोड़ी सी इनका अनकम्फर्टेबलनेस है, आई थिंक दैट टाइम के साथ ये जो है मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाऊँगा और चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकूँगा, ठीक है। बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ और आपको चीज़ें समझ भी लगें। इट शुड बी अ वर्थफुल एक्सरसाइज, राइट। तो देखो रीपरचेस अग्रीमेंट, ये अग्रीमेंट कैसे क्या है, देखो बैंक क्या करता है आरबीआई को ना रिटर्न में, ये रेपो रेट बेसिकली ये भी एक हिसाब से लोन ही होता है, ये ना शॉर्ट टर्म लोन होता है, एक दिन के लिए, 2 दिन, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए। मान लो किसी बैंक के पास पैसे कम पड़ गए हैं, ठीक है, या आरबीआई के पास पैसे अगर कम है तो वो बैंक से लोन ले लेता है, तो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, है ना। अगर बैंक आरबीआई से लोन ले रहा है शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो जो रेट होता है उसको बोलते हैं रेपो रेट। अब जैसे मान लो 100 रुपये बैंक ने आरबीआई से लिए, और ये बोला, ये सिक्योरिटी साइन की कि हम परसों आपको 100 करोड़, 100 रुपये नहीं, मान लो 100 करोड़ रुपए लिए,
और ये बोला कि हम परसों आपको पैसे दे देंगे 108 करोड़ रुपए। ठीक है, ये सिक्योरिटी में एग्रीमेंट किया। तो ये जो 8 करोड़ है ना, इसको बोलते हैं आपका रेपो रेट। जिस सिक्योरिटी को साइन किया था, रीपरचेस कर लेंगे हम जो है ना, परसों आपको पैसे देके अपनी सिक्योरिटी वापस ले लेंगे, तो ये रीपरचेस अग्रीमेंट है। ठीक है, एक हिसाब से शॉर्ट टर्म लोन है। 2 दिन के लिए लोन लिया था 100 करोड़, और हमने 108 करोड़ दे दिया वापस। ठीक है, तो मतलब 8 8 करोड़ का फायदा हुआ गवर्नमेंट को। ये जो फायदा है इसको रेपो रेट कहते हैं। या सिंपल अगर हम बोले ना, एक और सिंपल लैंग्वेज में लेके जाए, तो ये मतलब है आरबीआई जो लोन देता है ना बैंक को शॉर्ट टर्म, ये उसका ब्याज है, रेपो रेट। ठीक है, बात खत्म। चलो जी, नेक्स्ट रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो उल्टा है। जैसे आरबीआई है, कई बार आरबीआई को पैसे की जरूरत पड़ती है, या मान लो आरबीआई को मनी सप्लाई करना है, जरूरत आरबीआई को क्या पड़ेगी, जैसे मान लो बैंक है, बैंक से लोन ले लेता है आरबीआई। लोन ले लेगा तो क्या होगा, मनी सप्लाई थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, मनी बैंक के पास कम पैसा बचेगा। तो जब बैंक के पास ही पैसा कम बचेगा, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे। या मान लो अगर बैंक के पास पैसा कम रहेगा, तो वो आगे लोगों को महंगा लोन देंगे, तो लोग लेंगे ही नहीं, वैसे ही मनी की सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक है, देखो यार, समझने वाली बात क्या है रिवर्स रेपो में। एक तरफ है आपका आरबीआई, एक तरफ है आपका बैंक। ये भी शॉर्ट टर्म लोन है जो बैंक आरबीआई को देता है। एक हिसाब से ये भी एक रीपरचेस अग्रीमेंट ही है। वही जैसे 100 करोड़ से 108 हुए थे इधर से, अब वो 8 करोड़ जाएंगे बैंक के पास। ठीक है, तो वो जो है आपके रेट, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो, बस एक चीज आपको याद रखनी है। देखो, हमेशा हमेशा जो आपका रिवर्स रेपो है, रिवर्स रेपो रेट जो है, ये रेपो रेट से कम ही रहेगा। भाई इस पूरी एक्सचेंज के अंदर फायदा किसको होना चाहिए, ऑब्वियसली गवर्नमेंट को। ठीक है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, मनी सप्लाई को रेगुलेट कर रही है, ताकि हमारी इकोनॉमी रिसेशन में ना चली जाए। ठीक है, तो ये बेसिकली आइडिया था मनी के कंट्रोल को लेके। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई हैं। एक चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे देखो मैंने डिसाइड किया है कि लेक्चर के बाद में ना एक समरी आपको जरूर दे दूँ। अभी हमने मनी को लेकर के ऑलमोस्ट सारी चीजें डिस्कस कर ली, मॉनेटरी पॉलिसी को लेके भी हमने इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर ली हैं। अब हम ना बैंक के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि बैंकिंग स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, उसकी हिस्ट्री देखेंगे, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक कैसे हुआ, वो थोड़ी सी चीजें रह गई हैं, वो उसको हम देख लेंगे। उसके अलावा मनी को लेकर के, मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर के हमने चीजें कवर करी हैं, और हमने उसको जो है जो बेसिक्स हैं उनके साथ जोड़ के चीजों को कनेक्ट करके हमने कवर करी हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आपको ये समरी समझ नहीं आई आ रही है ना पढ़ के, तो कहीं ना कहीं आपकी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम का मतलब कि चीजें आपको समझ नहीं आई है। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विथ दिस। मेरे लेक्चर देखने के बाद में, बुक्स पढ़ने के बाद में, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार पढ़ने के बाद, ठीक है, भी अगर आपको चीज समझ नहीं आ रही है, तो इट मींस दैट कहीं ना कहीं हमें अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, और आपको जरूर कांटेक्ट करना चाहिए, बात करनी चाहिए। अगर आपको ये चीज समझ आ गई, जैसे मान लो ये समरी है इस लेक्चर की, ये मैंने कीवर्ड्स बना रखे हैं, अगर इन चीजों के अराउंड आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, इट मींस कि आप रेडी हो इकोनॉमी के लिए। ये चैप्टर ऑफ द इकोनॉमी आप पूरे 100% तैयार हो आप डील करने के लिए, प्रोवाइडेड आप इसके बनते हुए क्वेश्चंस मेंस के, प्री के, उनको सॉल्व करो। दिस मैंने यहाँ पे समराइज कर दिया पूरे लेक्चर्स, अपने पिछले 2 3 लेक्चर्स को इसमें समराइज किया है टॉपिक के हिसाब से। अब देखो मैंने यहाँ कीवर्ड्स को भी हाईलाइट कर दिया, जैसे बार्टर एक्सचेंज, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और नैरो ब्रॉड मनी, लिक्विडिटी, रेगुलेटेड बाय आरबीआई, बैंक क्रेडिट रिक्वायरमेंट, स्टरलाइजेशन। ठीक है, यही मैंने आपको सारा समझाया है। तो अगर आपको इतनी चीज भी याद रहेगी ना, तो मैं आई आई कैन ट्रस्ट मी, यू विल एबल टू रिटेन थिंग्स इन अ वेरी बेटर वे। कीवर्ड देखो, जैसे यहाँ बार्टर एक्सचेंज, डबल कोइंसिडेंस वॉन्ट, मनी, मीडियम एक्सचेंज, यूनिट अकाउंट, स्टोर, ट्रांजेक्शन डिमांड, स्पेकुलेटिव डिमांड, बॉन्ड,
नैरो मडी, ब्रॉड, एग्रीगेट, मॉनेटरी रिसोर्स, करंट डिपॉजिट रेशियो, रिजर्व डिपॉजिट, ये मैंने सारी चीज़ें आपको समझाई हैं, तो ये आपको अच्छे से समझ आ जानी चाहिए। एंड आई होप कि आपको समझ आ गई होंगी। अगर ये डन है तो बिलीव मी यू आर रेडी विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। बाकी नेक्स्ट हम आगे बैंकिंग के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें मेल कर सकते हो simply.civils@gmail.com, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, वहाँ पे जो भी करंट अफेयर्स हैं डेली और मंथली के अपडेट किए जाते हैं, ठीक है। एक चीज़ और है, मैंने मॉनेटरी पॉलिसी और बैंकिंग को लेके कुछ नोट्स मेरे पास पड़े हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, बहुत ही क्वालिटी नोट्स हैं, ठीक है। वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे, आप उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। लिंक, उसको ज्वाइन करने का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आप कुछ चाहते हो कि मैं इस अपनी वीडियोस में कुछ इम्प्रूवमेंट करूं, या जो आपके अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा बेटर बना सके, देखो क्योंकि क्वालिटी ऑफ कंटेंट में मैं कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूँ। अगर कोई कमी रहती भी होगी तो वो टीचिंग साइड से होगी। अगर आपको कोई कमी लगती है, इफ़ यू वॉन्ट दैट हाउ यू वॉन्ट टू बी गेट टीच्ड, देन लेट मी नो, ओके। सो थैंक यू गाइस, अगेन आई विल रिपीट, रीड लेस थिंक मोर, ठीक है। And thank you so much.